एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए आज हम मिलकर बनाते हैं ये चटपटे बटाटा वड़ा की रेसिपी। तो उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। सबसे पहले हम ग्रीन चटनी तैयार करेंगे। तो मैंने मिक्सिंग जार में ये ऐड कर दिया है मिंट एंड कोरिएंडर लीव्स। तो जो मिंट और कोरिएंडर लीव्स की जो हम चटनी बनाते हैं उसमें हम कोरिएंडर लीव्स हमने ज़्यादा लेने हैं और मिंट थोड़ा कम लेना है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप मिंट लेंगे तो उसे बिटरनेस आ जाती है। तो ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है इसमें सारे मिंट और कोरिएंडर लीव को इस तरीके से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर। सो मैंने यहाँ पे लिया है 2 इंच जिंजर एंड यहाँ पे लिया है 7 to 8 क्लोव्स गार्लिक के। देखिए अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 8 to 10 ग्रीन चिलीज। चिलीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड करूँगी लेमन जूस। तो मैंने यहाँ पे 2 लेमन का जूस लिया है। सो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी सॉल्ट। सॉल्ट भी टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ही ऐड करेंगे, क्योंकि बाद में ऐड कर सकते हैं अगर कम हो तो। और अब हमने इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारी ग्रीन चटनी जो है बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम तैयारी करते हैं पोटैटो मसाला बनाने की। तो मैंने यहाँ पे एक डीप पैन लिया, इसमें 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। उसको हम गर्म होने देंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स के। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मैंने हींग ऐड किया है। इससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर और फ्रेग्रेंस आती है हमारी जो फिलिंग है उसमें। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 इंच जिंजर, 7 to 8 गार्लिक के क्लोव्स और 8 to 10 ग्रीन चिलीज। चिलीज अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, कुक कर लेंगे ताकि कच्चापन रिमूव हो जाए। अब हम ऐड करेंगे ड्राई मसाला। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच टर्मरिक पाउडर का, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, रेड चिली पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है जिस तरीके का चटपटा बनाना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा चिलीज एंड ऑल। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पोटैटोज। ये बॉयल पोटैटोज लिए, उनको हमने अच्छे से मैश कर देना है। पोटैटोज को हमने अच्छे से मैश करना है, कोई भी उसमें चंक्स नहीं होने चाहिए पोटैटोज की। अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी इन्ग्रीडियंट्स को इस तरीके से लो फ्लेम पे। तो सभी मसालों को हमने अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देना है आलू के साथ। ये देखिए सीजनिंग चेक कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर। इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारी फिलिंग के अंदर। तो ये देखिए ऐड हो गया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू के साथ, अच्छे से सबको 1 से 2 मिनट के तले अच्छे से कुक कर लेंगे लो फ्लेम पर ही। ये देखिए मिक्स हो गया और अब मैंने फ्लेम को क्लोज़ कर दिया है और इसको हमने ठंडा होने देना है। तो ये देखिए इसको हम ठंडा होने देंगे, तब तक हम बैटर प्रिपेयर कर लेने हैं। मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 2 छोटे बाउल लिए हैं बेसन के, ऐड करा है इसमें सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, रेड चिली पाउडर कलर के लिए। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच अजवाइन सीड्स के, इससे डाइजेशन अच्छा रहता है। अभी सभी इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सब आपस में मिल जाएं। और अब हमने इसका जो है एक सेमी थिक बैटर तैयार करना है, ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, सेमी थिक। तो इसमें ग्रेजुअली हम ऐड करेंगे वाटर और फिर उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से सारे जो लम्प्स हैं उसको हमने अच्छे से रिमूव कर लेना है। पानी को एक साथ नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हमने ऐड करना ताकि हमें कंसिस्टेंसी पता रहे कि हमें कितना थिक चाहिए। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे, जितने भी लम्प्स हैं उनको अच्छे से रिमूव कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको विस्क की हेल्प से इस तरीके से, और सेमी थिक बैटर हमने तैयार करना है। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से हमारा बैटर जो है तैयार हो गया। इतना ही हमको थिक चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं चाहिए। तो ये हो चुका है हमारा तैयार। तो अब हम जो है मसाले की जो है छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं बटाटा वड़ा बनाने के लिए। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है हमारा मसाला। अब हमने इसको इस तरीके से लेके इस तरीके से हमने छोटी छोटी इनकी बॉल्स बना लेनी, जिस साइज़ की आपको चाहिए आप उस अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए ये इस तरीके से हमारी जो है सभी बन के तैयार हो गई हैं। तो हमने इसको तैयार फ्राई करते हैं। तो इस तरीके से हमने डिप करना है इसको, बैटर में अच्छे से कोट करना है और फिर हमने इसको मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करना है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से सभी तरीके तरफ से
कोट कर लेंगे प्रॉपरली, ये देखिए। और अब इसको मीडियम हॉट ऑयल में हम फ्राई करेंगे। ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए और इसको अच्छे से हल्का गोल्डन होने तक हमने इनको कुक करना है। अच्छे से इनको फ्लिप करते रहेंगे। सो ये देखिए मैंने डाल दिए हैं जितने एक बार में आपके आ जाते हैं, और इस तरीके से फ्लिप करके हमने इनको कुक करना है गोल्डन, हल्का गोल्डन कलर आने तक। देखिए इस तरीके से, तो ये हो चुका है। ऐसे ही हमने सारी प्रिपेयर कर लेनी है अपनी बटाटे वड़े को। ये देखिए हो चुके हैं। तो अब हमने कुछ ग्रीन चिलीज लिए, उसको स्लिट कर लेना है पहले, और फ्लेम ऑफ है बिल्कुल, हल्के से तेल ऑलरेडी गर्म है, तो इसमें हम इस तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। और अब ये स्प्रिंकल करेंगे हम इसके ऊपर सॉल्ट को, तो इसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है आपके जब आप इसको सर्व करेंगे आलू बोंडा ये बटाटा वड़ा के साथ। तो ये देखिए हमारी ग्रीन चटनी के साथ टेस्टी आलू बोंडा जो है बनके तैयार हो गए हैं। ये बटाटा वड़ा भी आप इसको बोल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और यम्मी है। होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद अनदर रेसिपी।